गुड मॉर्निंग दोस्त, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो और तीन टर्म का, एक काइस्ट जिसको कि इनकाइस्टेशन कहते हैं और दूसरा स्पोरुलेशन। आप देख सकते हैं यह अमीबा में होता है। पहला होता क्या है, अमीबा का रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। जब कंडीशन फेवरेबल रहे तो जो अमीबा में रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं और उसी बाइनरी फ्यूजन के ही तहत रिप्रोडक्शन होता है। यह आप लोग देख सकते हैं अमीबा में न्यूक्लियस डुप्लीकेटेड होता है, फिर डिवाइड होता है और डॉटर सेल बनता है, ठीक। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल हो तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंडीशंस अनफेवरेबल हो गया। जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो क्या होगा, तो अमीबा क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को अंदर ले लेता है और अपने प्रोटेक्शन के लिए वह थ्री लेयर का हार्ड कवरिंग को अपने चारों तरफ लगाता है, थ्री लेयर हार्ड कवरिंग विच इज नॉन एज किस्ट। और इसी लेडिंग का होना और काइस्ट का फॉर्मेशन होना ही इनकाइस्टेशन कहलाता है। और इसके अंदर होता क्या, जब काइस्ट ही हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में तो अपने अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस को ऑब्टेंट करके रखता है, बहुत सारा। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो काइस्ट आर ब्रस्ट, जिसको कि सेडोपोडिया स्पोर की तरफ ब्रस्ट होता है और बहुत सारा स्पोर निकलता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, उसी को हम लोग स्पोरुलेशन भी कहते हैं।